अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरूर, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक ऐसी सनसनीखेज खबर दिखा रहा हूं। ये खबर है मेवात के फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के गांव अगौन की। इस वक्त मैं यहां मौजूद हूं और मेरे साथ मुझे इस वक्त ये परिवार आपको नजर आ रहा है। ये पूरा जो परिवार है ये एक हिंदू समाज के मैं घर पहुँचा हूँ और यहाँ की एक बेटी है जिनको बीते दिनों में उसके ससुराल वालों ने मार दिया था। ऐसा आरोप उनकी फैमिली लगा रही है कि उन्होंने उसका मर्डर किया था। और अभी आखिर मामला क्या है, क्या कर रही नहीं हो पा रही है, पुलिस ने अभी तक इसमें क्या कर रहे हैं, कितने लोगों को अरेस्ट किया है, तो इस पीड़ित परिवार से मैं जानने की कोशिश करता हूं। आखिर ये क्या कहना चाहते हैं? उनके साथ जी मैंने शादी की थी जी। अच्छा, उसके बाद में जी मैंने जो भी दान दहेज अपनी हैसियत के मुताबिक उनको दिया। ठीक है, तो युवा के बाद में उनको दहेज कम लगा जी। वो बार बार मेरे बच्चों को परेशान करते रहे जी। उन्होंने करा है उसको, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, हाँ उनको सजा मिलनी चाहिए। और जो अगर इसमें कोई और भी मतलब इसमें इन्वॉल्व है तो उनको भी ढूंढना चाहिए। कितने लोगों का नाम आपने दिया था? हमने इसमें 4 सदस्यों के नाम दिए हैं। क्या क्या नाम उनके? गिरिराज जी और लक्ष्मण, रामवीर, कविता। अच्छा, 4 लोगों पर आरोप लगाया लड़की मार। हाँ, तो पुलिस ने किसको अरेस्ट किया अभी तक? और छोटे मेहमान को किया है उन्होंने, लक्ष्मण को किया है। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो सभी गिरफ्तार किए जाएं और उनको रिमांड पे लिया जाए जी। और उनसे सारे गुनाह जितने उन्होंने किए हैं जी, जो भी अत्याचार लड़की पे हुआ वो सारा उनसे कबूल कराया जाए जी। जी दोस्तों, ये मेरे साथ में अनीता के चाचा जी हैं जिनकी डेथ हो गई थी, यानी कि मर्डर उनका हुआ था। तो उनके चाचा का और उनकी इस पीड़ित फैमिली का ये कहना है कि पुलिस प्रशासन जो भी 4 ज़्यादा नाम नहीं दिए लोगों ने, सिर्फ 4 ही नाम दिए हैं जिन पे इनका इनको जिन पर शक था, तो ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द उन 4 को गिरफ्तार करे और उनको रिमांड पर लेकर सच्चाई जो है वो सामने आनी चाहिए, जनता के सामने आनी चाहिए कि आखिर हकीकत क्या, किस तरीके से लड़की को मारा गया था।